अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हमारे पास देखिए सारथी का रिक्शा आया हुआ है और ये हमारा देखिए स्टूडेंट बैठा हुआ है और ये हमारे चचा हैं जिनका रिक्शा आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चचा? भैया गाड़ी अपने आप आगे भागने लगती है। देखिए इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी अपने आप आगे भागने लगती है, अपने आप चलती है। ठीक है, जब हम चाबी को ऑन करेंगे देखिए चाबी हमने ऑन कर दी है और जैसे ही हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे, देखिए अब हमने यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, चाबी हमने ऑन कर दी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे इनका पहिया चल रहा है। देखिए अपने आप ही गाड़ी चल रही है, मतलब आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, गाड़ी अपने आप ही भागेगी। ये देखिए, तो इस कंडीशन में अपनी गाड़ी में जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या बनाते हैं जो भी है मेरे भाई, ये ऐसी अगर दिक्कत आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे? तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या इसमें प्रॉब्लम है। जब चाबी ऑन करते हैं तो अपना आप ही चलता है, या तो इसमें थ्रॉटल का फॉल्ट है यानी कि एक्सीलेटर हमारा ख़राब है, या तो फिर इसमें वायरिंग की दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया एक्सीलेटर लाएँ तो वो लगा के देखेंगे। ठीक है, देखते हैं ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है नहीं होती है, और पूरी लाइव वीडियो चलेगी, कोई इसमें जो है चीटिंग नहीं होगी, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो फटाफट इसका एक्सीलेटर यहाँ से निकालो, और इसमें स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है, तो एक प्रॉब्लम भागने की, एक प्रॉब्लम जो है स्पीड कम होती है, तो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस कपलर को निकाल लेंगे, यहाँ पे एक्सीलेटर का कपलर हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये हमारा देखिए एक्सीलेटर का कपलर है जो वायरिंग से कंट्रोलर से आया हुआ होता है, ये एक्सीलेटर का कपलर। ठीक है, अब इसमें देखिए नया एक्सीलेटर लगाएंगे, ये हमारा नया एक्सीलेटर है, इसको लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक्सीलेटर के कपलर में एक नया एक्सीलेटर हमने जोड़ दिया है, ये एक्सीलेटर है हमारा, ये कपलर हमने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक्सीलेटर है, और अब क्या करेंगे, चाबी को बंद करेंगे और फिर खोलेंगे और फिर इसके बाद इसका थ्रॉटल घुमाएंगे। तो देखिए अभी तो मैं थ्रॉटल घुमा रहा हूँ, इसका एक्सीलेटर ले रहा हूँ, तो गाड़ी हमारी चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं छोड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, क्या गाड़ी हमारी अपने आप चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ हमने देखिए छोड़ दिया एक्सीलेटर, ब्रेक मारो जरा ब्रेक, तो ब्रेक मार के गाड़ी को रोक दिया और एक्सीलेटर हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए गाड़ी हमारी बिल्कुल शांत हो गई है, गाड़ी हमारी रुक गई है, यानी कि जो इसमें प्रॉब्लम है वो एक्सीलेटर की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से ये गाड़ी अपने आप ही भाग रही थी। एक्सीलेटर में प्रॉब्लम इसलिए थी, यहाँ देखिए एक्सीलेटर हमारा हिल रहा है, यहाँ पे एक्सीलेटर हमारा हिल रहा है, यानी कि इस एक्सीलेटर के अंदर ही प्रॉब्लम थी। और भी मैं आपको बता दूँ इसकी प्रॉब्लम आती कहाँ से ज़्यादातर, इसकी प्रॉब्लम जो आती है देखें, यहाँ पे जो हमारा ये एक्सीलेटर का कपलर होता है ये भी ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी गाड़ी हमारी डायरेक्ट हो जाती है, अपना आप ही भागने लगती है, तो ये भी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो खैर अभी तो इसका एक्सीलेटर ख़राब था, तो हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करके भी दिखाएंगे। तो इसको खोलो फटाफट, इसको खोलने के लिए देखिए तीन नंबर एलंकी की ज़रूरत पड़ेगी, ये तीन नंबर एलंकी आपको 10 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी आराम से, और इससे यहाँ पे खोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलंकी का पेच लगा होता है, ये देखिए खोलने में हमारी स्प्रिंग ही निकल गई है, एक्सीलेटर पूरा निकल गया, निकाल लो उसको। तो उसको इसी तरह से हम फिट कर देंगे, फिट करो फटाफट, पहले उसको ढीला करो। और ये हमारा देखिए स्टूडेंट काम कर रहा है और हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं इसकी। ठीक है,